Hi everyone, how are you all? Today I am here with extremely useful everyday phrases. Number one is sooner or later. इसका मतलब होता है आज नहीं तो कल. आज नहीं तो कल मुझे पता चल ही जाएगा. Sooner or later I'll get to know. Sooner or later you will have to face your fears. आज नहीं तो कल तुम्हें अपना जो डर है उनका मुकाबला उनको सामना उनका करना ही पड़ेगा. Sooner or later, we have to change the way we live. मतलब आज नहीं तो कल हमें जो जिस तरह से हम जीते हैं ना अभी रह रहे हैं ये तरीका हमें चेंज करना ही पड़ेगा. I'll finish this project sooner or later. Sooner or later, they will get to know about your relationship. मतलब आज नहीं तो कल उनको पता चली जाएगा तुम्हारी रिलेशनशिप के बारे में. Sooner or later, I'll finish or I'll complete this project. आज नहीं तो कल इस प्रोजेक्ट को मैं कंप्लीट कर ही दूंगा. सो इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए वी कैन यूज sooner or later. द ट्रैफिक दीज डेज इज टेरिफिक एंड वी कांट चेंज इट. इट इज वॉट इट इज. इट इज वॉट इट इज. जो है सो है. सो इस एक्सप्रेशन के लिए वी कैन यूज दिस ब्यूटिफुल फ्रेज. You couldn't crack the interview, so what is the point of crying now or what is the point of regretting now? It is what it is. Jo hai so hai. Ab tum interview crack nahi kar paaye. Abhi pashtane ka rone ka koi fayda nahi hai. Jo hai so hai. I'm done with winter and fog now, but I can't change anything. It is what it is. Mujhe kya pata tha ki unki anniversary thi? Little did I know that it was their wedding anniversary. मुझे क्या पता था कि वो नहीं आएगा. लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड नॉट कम. अरे मुझे क्या पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था. लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज नॉट लाइंग. मेरा मन कर रहा है कि मैं नाचूं. आई फील लाइक डांसिंग नाउ. सो फील लाइक इसका मतलब होता है मन करना. मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊं. आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी. मेरा मन कर रहा है कि मैं शॉपिंग पर जाऊं. आई फील लाइक गोइंग शॉपिंग टुडे. मेरा मन कर रहा है मैं बाहर का खाऊं. आई फील लाइक ईटिंग आउट टुडे. तो जब आपका मन करता है कुछ करने का सो हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू. आई फील लाइक. और इसी तरह अगर आपका मन नहीं करे. मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. मेरा सोने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग नाउ. मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग. सो इस तरह हम अगर कुछ करने का मन कर रहा है आई फील लाइक और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है आई डोंट फील लाइक. दे मे हैव टू चेंज देयर डिसीजन. ही मे हैव टू सेल हिज शॉप बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. तो उसको आर्थिक तंगी की वजह से अपनी शॉप बेचनी पड़ सकती है. और या तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ सकता है. मे हैव टू. आई मे हैव टू गो आउट टूडे बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ ग्रॉसरी. आई वुड से ठीक है ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी है. सो आई मे हैव टू गो टू मार्केट टूडे. वी मे हैव टू पोस्टपोन आर ट्रिप बिकॉज ऑफ बैड वेदर. Every day after lunch, I take a cat nap and I am used to it. Used to waking up early in the morning. So I am used to. मैं इसकी आदी हूँ. मुझे इस चीज़ की आदत है. मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हूँ. मतलब मुझे आदत है. I am used to waking up early in the morning. जैसे मैं हर दोपहर को सोती हूँ ना एक छोटी सी एक चपकी लेती हूँ. So I am used to it. अगर मैं बचपन की बात बोलूं, आई वॉज यूज टू वॉचिंग सो मैनी कार्टून्स. वैन आई वॉज अ चाइल्ड आई वॉज यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग. सो आई एम यूज टू. मुझे इसकी आदत है. रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एंड इट्स रियली हेक्टिक दीज डेज. दो आई एम नॉट यूज टू इट बट ग्रेजुअली आई विल बी यूज टू इट. मतलब अभी मैंने काम करना शुरू किया है. बहुत हैक्टिक है सब कुछ. मुझे पहले इसकी आदत नहीं थी बट मैं उम्मीद कर रही हूँ कि धीरे धीरे मुझे इसकी आदत हो जाएगी. अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. अभी हमने वी हैव जस्ट डिस्कस्ड आई एम यूज्ड टू. मैं इसकी आदी हूँ या मैं इसका आदी हूँ. अब एक और फ्रेज़ है आई यूज्ड टू. इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है. आई यूज्ड टू का मतलब होता है मैं किया करता था. आई यूज्ड टू get stuck while speaking in English.
ठीक है, ये पास्ट की बात है बिल्कुल, कि ऐसा किया करता था। वी यूज्ड टू गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, हम जाया करते थे। ओके, आई यूज्ड टू बी अ पीपल प्लीजर बट नो मोर। अर्लियर आई यूज्ड टू टेक कॉफी बट नाउ आई एम नो मोर यूज्ड टू इट। समझ रहे हैं ना आप, तो ध्यान से सुनिएगा। अर्लियर आई यूज्ड टू टेक कॉफी एवरी डे, है ना, मतलब पहले मैं हर रोज कॉफी लिया करती थी, आई यूज्ड टू, बट नाउ आई एम नो मोर यूज्ड टू इट। आई एम नो मोर यूज्ड, मतलब अभी मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे आपसे फिर से मिलने का बेसब्री से इंतजार है। सो बेसब्री से इंतजार करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। अब इसमें ध्यान रखना, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ओके, टू मीट यू रॉन्ग होता है, सो मीटिंग यू। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हर बर्थडे पार्टी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ऑल। ब्यूटिफुल कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन इफ यू लाइक द वीडियो।